11 दिसंबर 2023 एमपी सियासत का वो दिन जिसने हर उस शख्स को चौंका दिया जो सूबे की सियासत में थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है। यहां पर भाजपा हाईकमान ने मौजूदा सीएम शिवराज सिंह समेत एक से एक धुरंधरों को साइडलाइन करके ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जिसके नाम के बारे में कुछ समय पहले तक किसी को भनक तक नहीं थी, और इस चयन के बाद हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव में ऐसा क्या देखा जो उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी। हालांकि सवाल का जवाब भविष्य के गर्व में छिपा हुआ था, और पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद मोहन ने भाजपा हाईकमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को सही साबित करना शुरू कर दिया और अपनी कार्यशैली में एक कॉमन मैन की छवि जाहिर करके ये बता दिया कि मध्य प्रदेश को एक ऐसा मुखिया मिला है जो आम जनता की तरह सोचता है और उसकी तरह ही काम करता है। सीएम मोहन के कुछ फैसले उनकी सोच की तस्दीक भी कर रहे हैं, जानिए कैसे। जमीन खरीदी को लेकर सरकार ने बदला नियम। मुख्यमंत्री ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। अब जैसे ही आप जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे उसके साथ ही 15 दिन के अंदर अपने आप नामांतरण भी हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले लोगों को नामांतरण कराने के लिए काफी भटकना पड़ता था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम मोहन के इस काम से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिला उनका हक। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूर पिछले लगभग 3 दशकों से अपने हक के लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे, लेकिन सीएम मोहन को सत्ता संभाले अभी 30 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने मजदूरों की बकाया राशि तत्काल उन्हें उपलब्ध कराई। आपको बता दें कि मिल में लगभग 5,895 मजदूर थे जो मिल के बंद होने के बाद से अपनी मेहनत की कमाई के लिए परेशान हो रहे थे। उनकी इस परेशानी को मोहन यादव ने न सिर्फ समझा बल्कि मजदूरों को उनकी पूरी रकम भी दिला दी। लाल फीताशाही पर लगाम, जनता ही सर्वोपरि। सीएम मोहन के दो फैसले पूरे देश में चर्चा का विषय बने। पहला, एक गरीब ड्राइवर से उसकी औकात पूछने वाले शाजापुर कलेक्टर को तत्काल हटाना, और दूसरा, छोटे कर्मचारी से जूते के फीते बंधवाने वाले एसडीएम पर कार्रवाई करना। आम जनता के अधिकारों को लेकर मोहन सरकार कितनी सजग है, इन दोनों फैसलों को देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस बीच सीएम मोहन ने ये भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश सरकार गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। खुले में मांस बिक्री, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर प्रतिबंध। नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव जब कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए, जिसका कहीं कहीं विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में हर वर्ग के लोगों ने सीएम के इस फैसले को स्वीकार किया। सीएम यादव ने जो फैसला लिया, अक्सर ऐसे फैसले लेने से पहले नेता हिचकिचाते थे, लेकिन मोहन यादव ने ये काम बड़ी आसानी से कर दिखाया और प्रदेश के बड़े वर्ग की एक मांग को समझते हुए उसे चुटकियों में पूरा कर दिया। एमपी में होगी एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव के उद्देश्य से हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया है, जिसके तहत हर छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और यहां फीस भी कम होगी। यही नहीं, सरकार उच्च शिक्षा में प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय में डिजिटल लॉकर सिस्टम लाकर छात्र छात्राओं को एक बड़ी सुविधा दी, जिसमें हर छात्र अपने अहम दस्तावेज डिजिटल रूप में रख सकता है। सीएम मोहन यादव के ये काम एक आम आदमी की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, और यही काम है जिन्हें देखकर एमपी की जनता मोहन यादव को एक आम आदमी की तरह देख रही है। जनता के मन में ये उम्मीद जगी रही है कि हमारे हर छोटे से छोटे काम मोहन सरकार में आसानी से हो सकते हैं। इसके साथ ही उनकी ये शैली कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयन पर मुहर लगाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।